स्टूडेंट्स, आज का एक्सपेरिमेंट है इविपरेशन और फाउंडेशन पर और बॉइलिंग पॉइंट पर आधारित। और शुरू से प्रोसेस को देखेंगे। सबसे पहले मैं एक कंटेनर में पानी गर्म करूंगा और उसको टोटल पानी को मैं बॉइलिंग पॉइंट पर जब आएगा तो खोलना शुरू करेगा, अंत में इविपर बन जाएगा या गैस बन जाएगा। चलिए हम आगे प्रोसेस को देखते हैं। देखिए, कंटेनर में हम ये ठंडा पानी को डाल रहे हैं, ये गर्म करने की प्रोसेस। देखिए, ये पानी का क्वांटिटी आपका इतना है और इसको मैं अपना अब गैस चूल्हा पर रखने जा रहे हैं। पानी बॉइलिंग पॉइंट पर आकर टोटल जब इविपोरेट हो जाएगा फिर आगे का हम प्रोसेस करेंगे। अब चलिए हम गैस चूल्हा को जलाते हैं, इस पानी को गर्म करने के प्रोसेस में लाते हैं और इविपोरेशन अंत तक ये तब तक गर्म करेंगे जब तक कि टोटल पानी इविपोरेट नहीं हो जाए। चलिए हम एक गैस चूल्हा को जलाते हैं, अब हैं देखते रहिए एकदम। ये गैस चूल्हा आपका जल रहा है, प्रोसेस को शुरू से देखेंगे। इस एक्सपेरिमेंट का क्या हमारा रिजल्ट निकलेगा मैं अभी तो नहीं बताऊंगा, खुद ही आप समझ जाएंगे जब फाइनली एक्सपेरिमेंट के कंडीशन को देखेंगे आपकी, कि वास्तव में आखिर हमने क्या बताना चाह रहा था, उसका रिजल्ट खुद ही आप लोग दे देंगे। देखिए, पानी खोल भी रहा, अभी नहीं खोल रहा है लेकिन खोलेगा, क्योंकि मैंने तो हीट का सोर्स बहुत गंभीर दिया है, ना हीट दिया हूँ, थोड़ा हीट कम कर देता हूँ, धीरे धीरे उसका ये होगा, धीरे धीरे गर्म होगा तो और बेटर रहेगा। पानी खोलता है, हाँ देखिए, ये पानी कंटेनर में कितना पानी है, अधिकांश पानी तो ये भिपरा हो गया। ये पानी का खोलते हुए स्थिति देखिए, पानी का खोलते हुए स्थिति देखिए, पानी की क्वांटिटी कितना रह गया इस कंटेनर में, नहीं के बराबर लगभग में, जिसको कि हम लोग नथिंग के रूप में ही जानेंगे। अब देखिए, हम इसमें अब करीब करीब नथिंग वाटर बचा है, अब इसको हम कंटेनर से बंद करूंगा, ढक्कन से मैं इसको बंद करूंगा, अब इसको बंद करूंगा और ऊपर से पानी मैं डालूंगा, तब देखिएगा इस कंटेनर की स्थिति क्या होती है। हाँ देखिए, अब इस पर ठंडा पानी डाल रहे हैं और इनसाइड में केवल वेपर होगा, अधिकांश वेपर तो बाहर बनकर उड़ गया। दो मिनट आपको वेट करना होगा तब इस कंटेनर की स्थिति पता चलेगा। हाँ देखिए, अब हम इसमें पानी को दे रहे हैं और पानी देते ही ये देखिए कंटेनर की स्थिति क्या हो रही है। हाँ देखिए, यह हमारा एक्सपेरिमेंट क्या था, मैंने इस कंटेनर में पानी लिया था, इसमें मैंने वाटर लिया था, वाटर को बॉइलिंग पॉइंट पर गर्म करके इसको टूटा इवेपर कर दिया, उसके बाद कंटेनर को ढक्कन को मैंने बंद कर दिया। उसके बाद जो इसमें वेपर बचे हैं, यानी कि वाटर जो गैस के फॉर्म में बचे हुए हैं, उस पर मैंने इस ऊपर से पानी गिराया। पानी गिराने से क्या हुआ कि जो गैस थे वो अधिकांश वाटर में कन्वर्ट हो गए, कंडेंसेंस हो गए, और जो जगह बच गया वो तो खाली पड़ गया। तो इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर, इंटरनल प्रेशर कम हो गया और एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा हो गया, इसके कारण देखते हैं ये डिब्बा आपका पचक गया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एट द बेस ऑफ द कंडेंसेंस, इविपोरेशंस, बॉइलिंग पॉइंट्स, आखिर क्या कारण है कि ये डिब्बा आपका पचका? इसका कारण यह है कि गैस तो यहाँ तक था, मैंने उस पर से पानी गिराया, पानी गिराने के बाद ये टोटल गैस वाटर में कन्वर्ट हो गया, कंडेंसेशन हो गया, जलकन में कंडेंस्ड हो गया, और कंडेंस्ड होने के बाद ये भाग तो खाली बच गया, जिस कारण ये डिब्बा क्या हो गया आपका पचक गया। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका एक्सपेरिमेंट हमारा बहुत ही सुंदर लगा होगा, हमको उम्मीद लग रहा है, तो मुझे ज़रूर ही प्रोत्साहित करेंगे। थैंक यू।